अच्छा, टैनरी टू बाइनरी कन्वर्जन जो है ना, इसमें हम कोई एक टैनरी नंबर ले लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी, और हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड से। जैसे फर्ज कर लें, आपको एक नंबर ले लेते हैं, जैसे आज हम नंबर ले लेते हैं 25। क्या ले लेते हैं? 25। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमारा जैसे कि हम नंबर कन्वर्ट करना है बाइनरी टू बाइनरी। रिवर्क आपने किया हुआ कन्वर्जन? सर ओके, मैंने किया था आप इसे। भी परफॉर्म करें नौफिल अपने साइड पे, और मूसा भी करें। ओके, जी ठीक है। रिवर्क आप ही करें जरा, फिर मैं फर्दर नंबर देखता हूँ। सर ये नौफिल बोले, आंसर आ जी, गया? सर एक्चुअली मैं भी सोच पा रही हूँ। हाँ बोलो मूसा, आप बताएं, आंसर आ गया आपका? 1 मिनट। ठीक है, ओके बीबर, आप अपना चैट पे आंसर राइट करें। एवरीबडी राइट आंसर ऑन चैट। पर आपका आंसर गलत है। मूसा, आप अपना आंसर चैट पे लिखे। आई वी डन। बीबर, आपका आंसर गलत है, आप दोबारा करें। शुड आई डू? उषा, आर यू सेंडिंग आंसर?
ओके आई एम डूइंग ऑन स्क्रीन सो यू कैन। हाँ फिर आपने कर लिया। मैं बस 1 मिनट में जाते थे, मैं बस अच्छा आंसर ढूंढने वाला। चलिए जल्दी करें ना, इसमें इतना टाइम नहीं लगना उसके चाहिए। उसके क्लोज हो गया। ओके मूसा आप किधर है? हेलो मूसा आर यू लिसनिंग? तो यस अपना आंसर सेंड करो, इतना टाइम क्यों लग गया? चैट पे आंसर सेंड करो फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। भाई ना पैनल ओके मूसा आपका आंसर राइट है। मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ताकि बाकी सब लोग देखें। देखें 2 का टेबल 25 पे पढ़ेंगे। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो रिमाइंडर 1 यहाँ आ जाएगा। 2 6 द 12, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 3 द 6, रिमाइंडर 0 आएगा। 2 1 द 2, ये रिमाइंडर आएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1 1, नीचे से बॉटम टू अप जाएंगे। 1 1 0 0 0, ये इसका आंसर है। अब हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे कि ये राइट है रॉन्ग है? हम इस बाइनरी को डायनरी में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ से पावर प्लेस करेंगे 1 2 4 8 16, उन पावर्स को ऐड कर लेंगे। इनकी बेस वैल्यू 1 है। 16 + 8 + 1, ये 25 वापस आ गया। बीबर नाउ इज क्लियर। ऊषा का आंसर राइट था। ठीक है यस नौफिल, हैव यू डन? डिड ओके सर, यू अंडरस्टैंड? आई आपको एम सॉरी ओके। देखिए आपका सर, आंसर भी आई गलत है, आपका आंसर भी गलत है। ये देखें राइट आंसर ये है, दिस इज द राइट आंसर। ओके ओके सर, अब हम एक और नंबर देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे क्योंकि तो हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट करना है। तो ग्रेजुअली हर आपको मैं प्रीवियस जो है जो लेक्चर हो चुके हैं, आप ग्रुप का पार्ट बन जाए ना, ताकि आपको वीडियो भेज दूँ चैप्टर 2 की और चैप्टर 1 की। आर यू ग्रुप? आर यू इन ग्रुप? नो सर, तो आप अपने आपको ग्रुप में ऐड करवा लेना। ओके सर, ओके सर, अच्छा देखिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 115। इसको कन्वर्ट करें डेसिमल टू बाइनरी क्विकली, या मैं कर दूं? ठीक कर रहे हैं। है 2 मिनट्स हैं आपके पास, 2 से 3 मिनट।
Okay, good. So what's the answer? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. नाफिल का मूसा का आया है क्या? सर एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया। 111 0 डबल नाफिल आपका आया है 100 11 00 नाफिल आप दोबारा चेंज हो गया है। मूसा का भी नहीं आंसर चेंज हो गया। बीबर आपका नहीं आया। यस बीबर आर यू सेंडिंग शुड आई सॉल्व। ओके ओके बीबर नो इशू। आपको जो है ना चैप्टर वन की वीडियो देखनी चाहिए। मैं दोबारा शेयर कर दूंगा ठीक है। कन्वर्जन वाली वीडियो जो है बहरहाल यहाँ पे मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इसको हम टू से डिवाइड करेंगे। टू का टेबल 11 पे पढ़ेंगे 5 टाइम। ये वन इधर आ जाएगा 2 7 द 14 यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। 2 2 द 4 रिमाइंडर 1 2 8 द 16 और यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा ठीक है। 2 1 द 2 2 4 द 8 रिमाइंडर 0 2 7 द 14 रिमाइंडर 0 2 3 द 6 रिमाइंडर 1 2 1 द 2 रिमाइंडर 1। इसका आंसर आएगा 111 00 11। ये किस किस का आंसर था? तो मेरा यही था। आपका यही था 111 00। हाँ नौफल आपने फिर मिस्टेक की है। आपको कहाँ कंफ्यूजन आ रही सर मेरा जो गलत हुआ ना वो हाँ मेरा 28 से कम। बहरहाल आप ये डिवीजन मेथड से करें। आपको डिवाइड करना आना चाहिए ठीक। अभी ये समझ में आ गया जो जो मैंने किया आपको? जी, समझ आ गया। अच्छा अब हम इसको पावर प्लेस करेंगे। देखें ये हो जाएगा बाइनरी टू डेसिमल ना। जब पावर प्लेस करेंगे ये 1 है ये 2 है ये 4 है ये 8 है 16 32 64। तो हम उन पावर्स को ऐड कर लेंगे जिसकी बेस वैल्यू 1 है। 32 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 1 64 और 32 96 होते हैं +16 +3 ठीक है। 96 और 16 112 आ जाएगा +3 तो ये 115 आ जाएगा। ये सारा काम हमें मैनुअल करना है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ओके। तो आप लोग प्रैक्टिस रखिए कैलकुलेटर अपना करें करें। कितना काफ़ी आज के लिए ठीक है। अब हम चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। ओके चैप्टर 3 में ये टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी। ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना मूसा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। यस सर। आर यू श्योर? ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं। यस सर। क्वेश्चन भी किए हैं। ये क्वेश्चन नहीं किए थे रैम रोम को। अच्छा क्वेश्चन नहीं किया था।
क्वेश्चन करेंगे तो उन दोनों को इशू आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हार्ड डिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज, ओके, सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज। बेसिकली जब हम स्टोरेज की बात करते हैं ना, मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूँ। जब भी हम स्टोरेज की बात करेंगे ना, तो दो तरह की स्टोरेज होती है, प्राइमरी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर बेसिकली एक तो होती है एस रैम, जिसको हम कैशे कहते हैं, और दूसरी होती है डी रैम, ठीक है, जिसको हम रैम कहते हैं, जिसको हम अपग्रेड करते हैं। लेकिन अब आपका ये जो एस रैम होती है प्राइमरी में, एक तो वो रोम भी आती है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकेंडरी जो बेसिकली हमने डिस्कस करना, मेन टॉपिक हमारा क्या है, सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है आपकी परमानेंट स्टोरेज होती है, ठीक है। सेकेंडरी के अंदर बेसिकली एक तो आ जाएगी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क जो कि ऑब्सोलीट हो गई है, टेप ये भी ऑब्सोलीट हो गया है, फिर आती है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जिसके अंदर सीडी, डीवीडी, इनका यूज भी ख़त्म हो चुका है, बट ये आपके कोर्स का पार्ट है, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे। फिर एक और आती है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव जो है ना इलेक्ट्रॉनिक होती है, जिसके अंदर आपने सुना होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। फिर आपकी एक और आ जाती है ऑनलाइन स्टोरेज। ये सब समझ में आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है जी? इसमें कोई इशू यस सर। रीवर्क, आपको समझ में आया कि अब क्या कर रहे हैं? नाफिल आप बताएं। मैंने समझ आया थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा ये और आ और जाएगा। हाँ, क्योंकि अभी आप स्कूल में ही पढ़ेंगे ना, तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा। ओके, बेसिकली स्टोरेज दो तरह की होती है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और प्राइमरी में आपका रॉम और रैम आता है, ठीक है, और सेकेंडरी में या कितनी भी हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, वो आती है सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज। अच्छा, अब इसके कुछ फीचर लिखे हुए, एक तो ये है नॉन डायरेक्टली एड्रेस बाय सीपीयू, सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, अनलाइक प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू एक्सेस करता है रैम को। अगर आप दोनों को तो नहीं पता होगा, मूसा को पता है, शुरू में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 3 के स्टार्ट पे, दिस इज सीपीयू, ये सीपीयू होता है। इसके दो पार्ट होते हैं सीयू और एक होता है एएलयू। ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी के साथ, कैशे मेमोरी कनेक्ट होती है रैम के साथ, ठीक है, और रैम कनेक्ट होती है हार्ड डिस्क के साथ, हार्ड डिस्क या एसएसडी, ठीक है। और देखिए रैम सीपीयू इस तरह कनेक्ट होते हैं, और ये आपस में ऐसे कनेक्ट होते हैं। आप देखिए हार्ड डिस्क सीपीयू हार्ड डिस्क से कनेक्टेड नहीं है, सीपीयू कनेक्ट है रैम के साथ, रैम के साथ या कैशे में। कैशे को हम एस रैम भी कहते हैं, कैशे को हम एस रैम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखा हुआ कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू अनलाइक प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में यानी कैशे, रैम और रॉम, इन सबको सीपीयू एक्सेस कर लेता है। ये नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि सेकेंड परमानेंट, इनकी अगर पावर भी ऑफ हो जाए तब भी इनका डेटा होल्ड रहता है। दीज डिवाइसेज आर नॉन वोलाटाइल, मीनिंग दे रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। तो सिस्टम ऑफ हो तब भी इनका डेटा लूज नहीं होता। एक्सटेंडेड डेटा स्टोरेज, इनकी कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज कैन स्टोर लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा,
कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम और रोम। इनका डेटा इनकी डेटा कैपेसिटी स्टोर करने की बहुत ज़्यादा होती है, जैसे 500 GB, 1 TB, 2 TB, जबकि रैम अभी तक 8 GB, 12 GB या 16 GB या 32 GB तक आ रही है, ठीक है। और कैशे तो MB में आती है। स्लोअर एक्सेस टाइम, सबसे बड़ा इशू ये है कि इस पर चूंकि इसका मैकेनिक हार्ड डिस्क का मैकेनिज्म ऐसा है कि वो उसके अंदर तो रोटेशन भी होती है, मैकेनिकल रोटेशन, इसलिए और स्लो हो जाती है। रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज, कैशे इज मोर फास्टर देन रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज। स्लोअर एक्सेस टाइम, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज टेक्स कंसिडरेबल लॉन्गर देन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रैम और रोम। यानी जो सेकेंडरी स्टोरेज को एक्सेस करने का जो टाइम है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रैम और रोम। स्टोर सिस्टम एंड यूजर डेटा, ऑल एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल एप्लीकेशन का मतलब है आपके सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू सिस्टम चलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर एंड जनरल फाइल सच एज डॉक्यूमेंट, फोटो एंड म्यूजिक आर स्टोर्ड ऑन सेकेंड। तो ये परमानेंट स्टोरेज के लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। इनमें इन तमाम पॉइंट में कोई किसी को भी इशू? मगर ओके सर वो ये जो सीपीयू और सीयू और AL4 के बाद वाला जो मोटा वो जरा बता दे। अच्छा एक सेकेंड, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। आपने पूछा है, देखें प्रोसेसर के बारे में ना हमने चैप्टर 3 के शुरू में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसकी फंक्शनैलिटी, इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे जब दोबारा मौका मिलेगा। ये CPU आपका प्रोसेसर होता है। ये मैं बार बार CPU क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आपके माइंड में रहे कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन होता है जो हमें इंस्ट्रक्शन देता है, इसी तरह CPU को इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन CPU देता है। ये कनेक्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड कैशे, ठीक है। ये कैशे से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, कैशे कनेक्ट होती है रैम के साथ। तो CPU जब भी कोई इंस्ट्रक्शन सर्च करता है तो सबसे पहले कैशे में चेक करेगा, अगर उसको कैशे में नहीं मिलेगी तो वो रैम की तरफ आ जाएगा। समझ आई बात? जी सर। ठीक है, कैशे इज अ एस रैम, कैशे इज अ एस रैम, ये एस रैम होती है और ये डी रैम होती है। और रैम कनेक्ट होती है किसके साथ? हार्ड डिस्क के साथ, जहाँ परमानेंट डेटा स्टोर। आपकी जितनी इनपुट डिवाइस होती है ना, ये रैम से कनेक्ट होती है, क्योंकि हमारा इनपुट डिवाइस से डेटा रैम में जाता है और आउटपुट डिवाइस भी रैम के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस ने जो डेटा शो करना होता है रैम से पिक करता है। यहाँ तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस क्लियर सर। ओके, अब यहाँ पे ये लिस्ट आ गई सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज। ओके बीबर, ये देखें हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आपके लैपटॉप में जो ड्राइव लगी होती है ना, ये फ्लैश ड्राइव होती है। हार्ड डिस्क में फर्क ये है, ये इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस, यानी इसके अंदर मूवमेंट है, ये आपकी प्योर इलेक्ट्रॉनिक होती है, नो मूवमेंट। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, जिस तरह ये इंटरनल हार्ड ड्राइव है, ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। USB फ्लैश ड्राइव, ये भी इलेक्ट्रॉनिक होती है। इन सब इसको और इसको हम कहते हैं फ्लैश ड्राइव, दे आर पार्ट ऑफ फ्लैश ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क, ये CDs DVDs जो पहले आती थी अब खत्म हो गई। मैग्नेटिक टेप अभी भी यूज होती है लार्ज लेवल पे, लेकिन स्मॉल लेवल पे यूज नहीं होती। ये मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक वे में वर्कआउट करती है, ठीक है। ये इन्होंने एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दी हुई, यूज फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो सेकेंडरी जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के पर्पज के लिए यूज होती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी स्टोरेज अलाउ डेटा टू बी स्टोर्ड फॉर एज लॉन्ग एज रिक्वायर्ड बाय द यूजर, मेकिंग इट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज नीड्स, ठीक है। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके गुड, ओके, तो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज।
वो जो हार्ड डिस्क थी ना, और वो मैग्नेट, उसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक स्टोरेज, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको मैग्नेटिक स्टोरेज भी कहते हैं। सेकेंडरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज फॉल इन टू थ्री कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी यूज। ये आपकी बुक का ही मटीरियल दिया हुआ है, इसके अंदर मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट और ऑप्टिकल, ये तीनों यूज होते हैं। अब ये मैग्नेटिक स्टोरेज की कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है, ठीक है, इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, कॉमन डेटा स्टोरेज मेथड, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव रिमेन वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेलेंट मेथड फॉर स्टोरिंग डेटा ऑन कंप्यूटर। काफी पुरानी ड्राइव है, 1980 से ऑनवर्ड अब तक चलती आ रही है, यानी इसको 40 ईयर्स अबव हो गया है। मेन जो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई स्टोरेज कैपेसिटी की, जो पहली हार्ड ड्राइव आई थी ना उसका साइज आपके फ्रिज के जितना था, पता है आपको? जो पहली हार्ड ड्राइव आई थी ना उसका साइज फ्रिज जितना था, आज देखें ये इसका साइज कितना रिड्यूस हो गया है। फ्रिज सर प्री कितना सर? फ्रिज ओके जी। फ्रिज होता है ना, घरों में फ्रिज नहीं होता, यानी जो पहली हार्ड ड्राइव आई थी ना उसका साइज आपके घरों में जो फ्रिज होता है ना इसके बराबर था, और केबीज में डेटा स्टोर होता था। आज देखिए गीगाबाइट टेराबाइट में डेटा स्टोर हो रहा है और साइज कितना कम हो गया है। ये मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव की बात कर रहा हूँ। दूसरा फीचर दिया हुआ है डिजिटल स्टोरेज ऑन मैग्नेटिक प्लेटर। अच्छा, इसके अंदर ना डिस्क प्लेटर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ शायद आगे हो, ये देखें अगर आप इस डायग्राम पिक्चर को देखें, ये डिस्क प्लेटर है, ये जो सर्किल मैंने किया ना ये डिस्क प्लेटर है, और यहाँ पे ना रीड राइट हेड होता है। तो इसकी पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वर्क कैसे करती है, फिर आपको फर्दर समझने में आसानी हो जाएगी। एक सेकेंड। तो बेसिकली ये है डिस्क प्लेटर ना, ये रोटेट होती है, इसके ऊपर वो रीड राइट हेड होता है जो उसने दिखाया था ना, जो कह रहा था नेवर टच द सरफेस ऑफ द प्लेट, वो रीड राइट हेड होता है मूव उस। अब ये जो डिस्क प्लेटर होती है फर्दर डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ ट्रैक्स के अंदर, ये मैं आपको शो करता हूँ, ये देखें नंबर ऑफ ट्रैक्स, ये जो सर्किल है ना नंबर ऑफ ट्रैक्स, और ये ट्रैक्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सेक्टर के अंदर, ये जो पाई शेप बनी हुई सेक्टर, और जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है ना इन सेक्टर पर, एक सेक्टर पे स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी तो अब फर्दर डिटेल देखते हैं इसके अंदर और क्या दिया हुआ है। हाँ, अब देखो ना, डिजिटल स्टोरेज ऑन मैग्नेटिक प्लेटर, डेटा इज स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्मेट ऑन मैग्नेटिक सरफेस नोन एज प्लेटर। तो जिस जिन सरफेसेस पे डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं प्लेटर, विच कैन बी मेड ऑफ मटीरियल सच एज एलुमिनियम, ग्लास और सिरेमिक। फर्दर डिटेल आ गई। ओके, फिर कह रहा है कि प्लेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मल्टीपल प्लेटर आर प्रेजेंट। अच्छा, ये दो या दो से ज्यादा हो सकती है,
हम जो नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज करते हैं उसमें दो होती है, दो से ज्यादा होती है। प्रेजेंट इन अ हार्ड डिस्क ड्राइव स्पिनिंग, स्पिनिंग कहते हैं मूवमेंट को, एट अप्रोक्सीमेटली 7,000 टाइम अ सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 7,000 टाइम ये मूव कर जाती है। ईच प्लेटर टिपिकली हैज टू सरफेस फॉर डेटा स्टोरेज, यानी टॉप सरफेस बॉटम सरफेस। तो वो जो प्लेटर की बात कर रहे हैं, इसकी टॉप सरफेस होती है और बॉटम सरफेस, और दोनों यूज होती है डेटा स्टोरेज के लिए। सेकेंड एलिमेंट होता है रीड राइट हेड, लेफ्ट, वो जो मूव कर रहा था ना टू एंड फ्रो में, ठीक है, उसको हम कहते हैं रीड राइट हेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीड राइट हेड आर यूज टू रीड और राइट डेटा टू द प्लेटर। दीज हेड कैन मूव रैपिडली कवरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ द डिस्क एंड बैक अबाउट 50 टाइम अ सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड के बारे में दिया हुआ है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा इज ऑर्गेनाइज ऑन द प्लेटर सरफेस इनटू सेक्टर एंड ट्रैक। ये पहले आपको मैंने बता दिया कि आपका जो एक्चुअल डेटा जो है ना वो स्टोर होता है इनटू सेक्टर। डिस्क को पहले डिवाइड किया जाता है ट्रैक के अंदर, जैसे हमारी सोसाइटी गली में डिवाइड होती है, और गली जो है कंसिस्ट फर्दर डिवाइड होती है नंबर ऑफ हाउसेस, और हाउसेस में पर्सन रहते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी है। डेटा इज ऑर्गेनाइज ऑन द प्लेटर सरफेस इनटू सेक्टर एंड ट्रैक। सेक्टर ऑन अ ट्रैक कंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ बाइट्स। एक्चुअल डेटा कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर में, और ये पाई शेप का होता है। स्लो डेटा एक्सेस कंपेयर टू एस रैम। अच्छा, ये हार्ड डिस्क जो है ये रैम से स्लो होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर मैकेनिकल मूवमेंट आती है और रैम प्योर इलेक्ट्रॉनिक है। हार्ड डिस्क ड्राइव हैव अ स्लोअर डेटा एक्सेस कंपेयर टू रैम, लीडिंग टू लेटेंसी इशू। लेटेंसी कहते हैं डिले को, ये उतनी फास्टर नहीं होती जितनी रैम फास्टर है। यहाँ तक इस पॉइंट, यहाँ किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? यस बॉय, एनी कंफ्यूजन? नो ओके, यहाँ पे ये फर्दर फीचर दिया हुआ है, लेटेंसी इम्पैक्ट। लेटेंसी रेफर टू द टाइम इट टेक्स फॉर अ स्पेसिफिक डेटा ब्लॉक ऑन अ ट्रैक टू रोटेट अराउंड टू द रीड राइट हेड, कॉजिंग डिले इन डेटा रिट्रीवर। तो यहाँ पे सबसे बड़े पहला असर में होता ही है कि पहले जो डेटा फाइंड करने का मैकेनिज्म ये कि सबसे पहले ट्रैक को फाइंड किया जाता है। ट्रैक को ढूंढने में टाइम लगता है, किस ट्रैक पे डेटा रखा हुआ है या किस ट्रैक पे डेटा रखना है। फिर उसके बाद उसका सेक्टर फाइंड किया जाता है कि एक्चुअली डेटा किस सेक्टर पड़ा हुआ है, और हमारी जो फाइल होती है ना वो डिवाइड होकर डिफरेंट सेक्टर में जाके स्टोर होती है, क्योंकि फाइल का अपना एक साइज होता है और सेक्टर का अपना एक साइज होता है। फर्ज कर लें कि 1 MB की फाइल है और 512 KB का एक सेक्टर है, तो बेसिकली वो दो सेक्टर में जाके स्टोर होगी वो सेक्ट, और दोनों सेक्टर डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक पे होंगे, तो उसको सर्च करने में टाइम लगता है। इसको कहते हैं लेटेंसी। टाइम टेकन टू टू गेट अ पर्टिकुलर ट्रैक इज कॉल्ड रोटेशनल डिले। फ्रेगमेंटेशन इशू, ओवर टाइम हार्ड डिस्क मे एक्सपीरियंस फ्रेगमेंटेशन एज सेक्टर बिकम नॉन कंटिन्यूअस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? फाइल डिफरेंट सेक्टर में स्टोर कर दी गई, जब वो सर्च करने जाएगा तो पहले ट्रैक ढूंढेगा फिर सेक्टर ढूंढेगा, तो पहले तो उसका सीक टाइम लगता है पर्टिकुलर ट्रैक को ढूंढने में, फिर पर्टिकुलर सेक्टर को ढूंढने में टाइम लगता है, उसको कहते हैं रोटेशनल डिले। तो अब इसका इन्होंने हल क्या निकाला कि उसको डी फ्रेगमेंट की जगह डी फ्रेगमेंट कर दिया जाए। डी फ्रेगमेंट मतलब है कि जितने भी खाली सेक्टर हैं उनको उनको आपस करीब करीब ले आए, जितना करीब ले कॉन्टिजियस कर दें, कॉन्टिजियस मतलब होते जुड़े हुए, ताकि जो फाइल डिवाइड होकर स्टोर हो, अगर सेक्टर ए में स्टोर है तो नेक्स्ट उसका सेक्टर बी भी खाली होना चाहिए, वहां स्टोर हो, अगर सी चाहिए तो सी में स्टोर हो, इस तरह होता है डी फ्रेगमेंटेशन सोल्यूशन। तो कह रहे हैं ओवर टाइम हार्ड डिस्क मे एक्सपीरियंस फ्रेगमेंटेशन एज सेक्टर बिकम नॉन कॉन्टिजियस ड्यू टू डिलीशन एंड एडिट रिजल्टिंग इन डिग्रेडेड परफॉर्मेंस। अच्छा, हमें नहीं पता होता कि कौन से ट्रैक पे स्टोर है फाइल, हम फाइलें डिलीट भी कर रहे हैं, क्रिएट भी कर रहे हैं, चेंजेस भी कर रहे हैं, और कौन से सेक्टर पे स्टोर है या कौन से ट्रैक, हमें नहीं, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है। लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि इसके अंदर ना फ्रेगमेंटेशन का इशू आता है, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपकी फाइल डिफरेंट सेक्टर में स्प्रेड है, तो जब भी उसको ओपन करनी होगी फाइल को तो उसको टाइम लगेगा। अब इसका सोल्यूशन है डी फ्रेगमेंटेशन। डी फ्रेगमेंट का मतलब क्या, सेपरेट सेक्टर को एक दूसरे के करीब ले आया जाए, नेबर बना दिया जाए, जितने भी खाली सेक्टर है उनको एक नेबर बना दिया जाए, एक क्लस्टर बना दिया जाए, ग्रुप ऑफ एम्प्टी सेक्टर कहते हैं क्लस्टर। तो डी फ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रीऑर्गेनाइजिंग दिस सेक्टर एंड रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, ये होती है रिमूवेबल हार्ड डिस्क। रिमूवेबल हार्ड ड्राइव कनेक्टेड बाय यूएसबी, ये पोर्टेबल हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं,
सर्व एज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फॉर बैकअप और फाइल ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर। तो आप बाहर से जब बैकअप के लिए हम जिन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं सीपीयू के साथ, दे आर कॉल्ड रिमूवेबल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। यहाँ किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन? सर लास्ट वाले पॉइंट। लास्ट वाला पॉइंट आपने वो देखी होगी ना, हार्ड ड्राइव जो बाहर से कनेक्ट होती है बैकअप के लिए, जिसको यूएसबी के साथ थ्रू कनेक्ट करते हैं। चलिए मैं आपको शो करता हूँ, एक सेकेंड। ये देखें, ये हार्ड ड्राइव है, ये बाहर से कनेक्ट होती है, ये डेटा पैकेट आपने देखी होंगी पॉकेट साइज। ये डाटा स्टोर करती है ना जो विंडोज का होता है या जी, अच्छा आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा होता है ना, ये 1 टेराबाइट में आती है, ये 2 टेराबाइट में आती है, ये ह्यूज डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ये बाहर से कनेक्ट होती है। एक सेकेंड होल्ड कर। ओके जी बीबर, आपको समझ में आ रही है कौन सी ड्राइव है? देखिए 500 GB लिखा हुआ है, 1 टेराबाइट में भी आती है और USB 3.0 वर्जन सपोर्ट करती है, ये लेटेस्ट है। मतलब 500 GB पुराना हो गया, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव आती है और ये एक्सटर्नली कनेक्ट होती है। ये देखिए, ये लैपटॉप से कनेक्ट है, आपका सारा डेटा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब क्लियर है नौफिल? जी सर, समझ। जी सर। ये मुझे लास्ट पॉइंट था, वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, ये दिया हुआ डिटेल सॉलिड स्टेट ड्राइव की ना, इसका पहला फीचर ये है, सॉलिड स्टेट ड्राइव जो भी इसने वीडियो में भी दिखाई थी, कि सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है नहीं, हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है, और आपके लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं वो सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ आ रहे हैं। इसके अंदर होता है नो मूविंग पार्ट, एलिमिनेटिंग लेटेंसी इशू। वो जो हार्ड ड्राइव के अंदर लेटेंसी का इशू है ना, जिसके अंदर पहले वो सरफेस फाइंड करता है, फिर ट्रैक फाइंड करता है, फिर सेक्टर फाइंड करता है, फिर डेटा ट्रांसफर होता है, उसमें टाइम लग जाता है। इसके अंदर क्योंकि मूविंग पार्ट कोई भी नहीं, सारे इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये टाइम लेटेंसी इशू जो इसमें खत्म हो जाता है, एसोसिएटेड विद हार्ड ड्राइव। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विद इन द नैंड और नॉर गेट। तो ये नैंड गेट आप लोगों ने पढ़ा, नैंड गेट, नॉर गेट, किसी ने गेट्स पढ़े ना सर? सर लॉजिकल सर्किट्स आपने नहीं पढ़े होंगे ना, क्या नाम है नौफिल? जी सर। बीवर का आपने पढ़े, गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये हम नो सर। पढ़ेंगे।
ये चैप्टर 10 में है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब ये कह रहा है डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज जीरोस एंड वंस इन मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर। तो डेटा स्टोर होता है ट्रांजिस्टर में यूजिंग फ्लोटिंग गेट एंड कंट्रोल गेट ट्रांजिस्टर इन ए मैट्रिक्स। तो दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, फ्लोटिंग गेट होता है और एक कंट्रोल गेट होता है, जिसके थ्रू हम जीरोज एंड वन को स्टोर करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर ना। ये इंटरनल फंक्शन बता रहा है किसका, सॉलिड स्टेट ड्राइव का। नॉन वोलेटाइल री राइटेबल मेमोरी। अच्छा जी, नॉन वोलेटाइल री राइटेबल मेमोरी। तो ये नॉन वोलेटाइल होती है, री राइट का मतलब आप डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। यूटिलाइजेस सी मॉस नेट टेक्नोलॉजी। इनके बारे में जानना जरूरी नहीं, बस यही बता रहा है कि ये सी मॉस नेट टेक्नोलॉजी यूज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की ड्राइव्स के अंदर हम डेटा रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर रिटेन चार्ज मेकिंग द मेमोरी नॉन वोलेटाइल। चार्ज रिप्रेजेंट अ वैल्यू ऑफ वन व्हेन प्रेजेंट एंड जीरो व्हेन एब्सेंट। बेसिकली इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे तो हम उसको कहते हैं वन, और जब फ्लो नहीं करेंगे उसको कहते हैं जीरो। ठीक है। प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म। अप्लाइंग वोल्टेज टू द कंट्रोल गेट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ट्रैप इन द फ्लोटिंग गेट ड्यू टू द डाई इलेक्ट्रिक कोटिंग। ठीक है। कंट्रोल ओवर बिट वैल्यू इज अचीव एट ईच इंटरसेक्शन अलाउइंग डेटा स्टोरेज। तो ये बेसिकली इसका इंटरनल मैकेनिज्म है जो बताना चाह रहा है। ये जस्ट इसको आपको इसकी हाउ नो होनी चाहिए। ठीक है। ओके। बेनिफिट ओवर हार्ड ड्राइव क्या है, मोर रिलायबल विद नो मूविंग पार्ट। तो इसके ये डिस्क क्रैश नहीं होती, हार्ड डिस्क में डिस्क क्रैश हो जाती है। ये लाइट वेट है, सुटेबल फॉर लैपटॉप, और लैपटॉप में आई यही रही है। इंस्टेंट ऑपरेशन विदाउट विदाउट द नीड टू गेट अप टू स्पीड। लोअर पावर कंजम्पशन है एंड कूलर ऑपरेशन, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट तो होती नहीं है तो इसको कूल होने की भी जरूरत नहीं है। हार्ड ड्राइव में सबसे बड़ा क्योंकि डिस्क मूवमेंट होती है तो हार्ड वो थोड़ी बर्न हो जाती है, हीट अप हो जाती है। दिस फॉर्म फैक्टर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मूविंग कंपोनेंट, फास्टर डेटा एक्सेस कंपेयर टू हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव से ये फास्टर होती है। ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेड लॉन्गेविटी, इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, कभी भी खराब हो सकती है। एस एस डी एंड्योरेंस इज ऑफन कंजर्वेटिव, रेटेड एट 20 GB ऑफ राइट। 20 GB से ऊपर जो हार्ड ड्राइव होती हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होती हैं, उनका राइट में करने से उतना अच्छा नहीं होता। ऑपरेशन पर डे ओवर अ 3 ईयर पीरियड, 3 ईयर के बाद ये समझे कि लाइफ खत्म होना शुरू हो जाती है या इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। ओवर राइटिंग डेटा रिक्वायर इरेजिंग ओल्ड डेटा फर्स्ट। जब हम ओवर राइट करते हैं तो पहले वाला डेटा इरेज करने का ऑप्शन होता है इसके अंदर। लॉन्गेविटी कंसर्न स्पेशली इन हाई राइट ऑपरेशन इन्वायरमेंट लाइक सर्वर। सर्वर में अभी तक हार्ड ड्राइव यूज़ हो रही है बिकॉज ऑफ लाइफ, बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस, हार्ड ड्राइव की ज़्यादा बेटर होती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसएसडी इज इम्प्रूविंग एंड दे आर बिकमिंग मोर कॉमन इन एप्लीकेशन लाइक सर्वर एंड क्लाउड स्टोरेज। तो ये ग्रेजुअली रिप्लेस करती जा रही है हार्ड ड्राइव को जैसे जैसे इसके अंदर इंप्रूवमेंट आती जा रही है। ऑन गोइंग एफर्ट बाय मैनुफैक्चरर टू इनेबल एसएसडी टेक्नोलॉजी। नोट, रेगुलर यूज रिकमेंडेड टू रिटेन मेमोरी की चार्ज एज चार्ज लीकेज कैन अकर आफ्टर अबाउट 12 मंथ। 12 मंथ के बाद इसकी एफिशिएंसी डाउन होने शुरू हो जाती है। ये सबसे बड़ा इशू है जो अभी इसको इम्प्रूव करने की कोशिश एफर्ट हो रही है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर, जी सर, तो आज के सर की बोले कुछ मेरी मम्मा पूछ रही थी कि कितने देर है, हमने कहीं जाना था मम्मा। हाँ, तो बस क्लास एंड होगी, 6 to 7 होती है ना क्लास। जी, अच्छा, आप नोट कर लें, हमारी क्लासेस होती हैं ट्यूसडे, ठीक है, वेनसडे और थर्सडे, ठीक है, 6 to 7। तो नौफिल, आप अपने आप को रजिस्टर करवा लिया आपने सर अदनान के पास? सॉरी रजिस्टर करवा रहे ताकि आप ग्रुप में आ जाए। तो मुझे ठीक है, ये डे याद कर ले, ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे, 6 to 7। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज। यस गाइस, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सी यू ऑन ट्यूसडे।